उसको घोर बना रहा है मदिरा, ले जाएगा पिएगा उसको। इतना दूर से क्यों भाग रहे हो, भूत थोड़ी हूँ मैं। हाँ, संस्कृत का, संस्कृत का। हाँ। तो संस्कृत समझ में आता है बढ़िया? हाँ आता है, बिना अच्छा, आते हम लिए हैं क्या? बता दो संस्कृत में कि मैं पढ़ने जाती हूँ, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? हमें नहीं पता है उतना भी। हम बता दो। अरे भागो मत। पेपर कैसा गया आज का? ठीक है। कितने परसेंट आ जाएंगे? 10-15। 10-15%? अरे 100% में 10-15 खाली? अरे क्या क्या बनाया है ये बता दो। कमल का फूल बनाया है। हाँ। सीनरी बनाया है। और आपने क्वेश्चन कर दिए सारे पूरा? कितने गलत किए वैसे? ऐसे एक आध दो किए। तीन तीन लोग लते हो। हेलमेट तो लगा लो। हेलमेट स्कूल में आया। हेलमेट का कैसा रहा पेपर? हमारा अच्छा था पेपर। किस चीज का था? संस्कृत का। संस्कृत का। तो संस्कृत समझ में आता है बढ़िया? हाँ आता है, बिना आते हम लिए हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है। आप लोग अच्छा ये बता दो संस्कृत में कि मैं पढ़ने जाती हूँ, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? हमें नहीं पता है उतना भी। हम बता दो। अरे भागो मत। हाँ कैसा रहा आपका सर? अच्छा रहा। बढ़िया रहा? एकदम बढ़िया था। संस्कृत था या कला था? कला था। कला में क्या बनाने के लिए दिया गया था? कला में कोई राष्ट्रीय वो पुष्प बनाना था। हाँ। पक्षी सही। हाँ। और स्मृति कला में था ईट, ईट के ऊपर भगवना। हाँ, भगवना तो बना दिए। प्लेट में केला बनाया था। प्लेट में केला सर? अच्छा सर। बना दिए। हाँ सर। मतलब बढ़िया गया है। मतलब कला में तो आप लोग आगे हो। आप लोग किस चीज के? काला। काला की कला? काला कला ना। चलो बच्चे आपका कैसा था बहन? बहुत अच्छा था। कहाँ से सेंटर आया है? बिसहार से। बिसहार। अच्छा तो पेपर कैसा गया आज का? ठीक है। कितने परसेंट आ जाएंगे बता। हाँ कितने आ जाएंगे बताओ? आ जाएंगे 10-15। 10-15%? अरे 100% में 10-15 खाली तो क्या? अरे ऐसा मत करो। कहाँ से आए हो? सेंटर कहाँ से? मगरदहा से। मगरदहा से। हाँ। किस चीज़ का था एग्जाम? संस्कृत। संस्कृत का था। हाँ। कितने क्वेश्चन आए थे संस्कृत में? 26। 26 में से कितने किए? 24। 24। और गलत कितने किए? अब हमके क्या मालूम कि कितना। अच्छा, गलत होगा। ठीक है। तो कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा था सर। बढ़िया। किस चीज का था? ड्राइंग। ड्राइंग का? चित्रकला। चित्रकला में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 6-7 क्वेश्चन। मतलब कि वो 100 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ। 100 नंबर उसमें 3 क्वेश्चन था। तीन क्वेश्चन था अथवा अथवा करके। हाँ हाँ। मतलब बहुत सारा दिया था। और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने थे चित्रकला में? 100 नंबर के। 100 नंबर के कितने जो क्वेश्चन था वो टोटल 3 था अथवा अथवा करके, तो उसमें से कितने करना था? 2 ही करना था या 3 करना था? पूरे 8 क्वेश्चन था, उसमें से 3 ही करना था। 3 ही करना था, जिसमें से अब मल्टीपल चॉइस भी था, ऑब्जेक्टिव भी था। हाँ। और फिर उसको ड्रॉ करने के लिए और कुछ नहीं। अच्छा क्या क्या बनाया ये बता दो। कमल का फूल बनाया है। हाँ। सीनरी बनाया है। और फिर उसके बाद में ये प्लेट कप। और आप क्या बनाए थे वैसे? प्राकृतिक दृश्य और वो कमल का फूल। गांव के लड़के हैं यार, प्राकृतिक दृश्य बनाने में तो बिल्कुल माहिर हैं। इंटर का और टेंथ का, यानी कि 12th और 10th का दोनों का ही साथ में था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। संस्कृत वाले भी बच्चे आ रहे हैं और कला वाले भी बच्चे आ रहे हैं। तो आपका संस्कृत का था, संस्कृत में कितने क्वेश्चन थे? 26 थे या 30 थे? 30। 30 थे। हाँ। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे थे 26 थे। तो कितना आपने क्वेश्चन कर दिए सारे पूरा? कितने गलत किए वैसे? ऐसे एक आध दो किए होंगे। अच्छा ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके जो पढ़ाया गया था वही से पूछे गए थे या बाहर से? वही पूछा गया था। हाँ? वही पूछा गया था। अच्छा तीन तीन लोग लते हो। हेलमेट तो लगा लो। हेलमेट स्कूल में आया। हेलमेट थोड़ी लगाएंगे। अच्छा ठीक है। पेपर कैसा गया? पेपर बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कितना परसेंट आ जाएगा? वही लगभग 70%। 70% उम्मीद है। और उम्मीद है कि 70% के करीब में आएगा। 90-95? अरे उतना नहीं किए हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरे किए हैं। टाइम भी कम मिल गया हम लोगों को। चलो बढ़िया। आराम से जाओ फिर। आराम आराम।